राष्ट्र 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही। शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पांच साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा देश की आर्थिक राजधानी, देश की अर्थव्यवस्था में, दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट्र का और विशेषकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायना रखती है, लेकिन 50 साल तक दो तिहाई बहुमत वाली सरकारें भी एक मुख्यमंत्री को लेकर के चल नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है सबको साथ लेकर के चलने का, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भाजपा शिवसेना पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब जनता ने तय कर लिया कि भाजपा शिवसेना अलग चल ही नहीं सकते, आपको साथ चलना ही पड़ेगा, निर्णय जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के 5 साल तक स्थिर शासन दिया, नेतृत्व दिया। और इस बार भी गठबंधन को भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने विजयी बनाया, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारी युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई, उसको आज जन समर्थन मिला है। और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करता है। मैं दोनों प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हम पर इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद बरसाए हैं, हमारी टीम नई थी, अनुभव बहुत सामान्य प्रकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक हमने सेवा करने के हमारे मकसद से जरा भी डिगे बिना आपकी सेवा की है। अब आपने दोबारा हमें मौका दिया है, तो मैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को,
विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपने जो विश्वास रखा है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे और केंद्र में सरकार में होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वे अधिक उत्साह के साथ मेहनत करती हैं, जनता तक बात ले जाती है। जहां अन्य दलों की सरकारें आई हैं उनका ज्यादा समय योजनाओं के नाम बदलने में जाता है। मोदी की एक योजना हो तो उनको लगता है कि अपने राज्य में नाम बदल दें वरना क्रेडिट मोदी को चली जाएगी। उसी उधेड़बुन में वो 1-2 साल तो यूं ही खराब कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सीमलेस कोई रुकावट के बिना केंद्र सरकार की योजनाएं भी उतनी त्वरित गति से जन सामान्य के लाभ के लिए आगे बढ़ाई जाती है और उसके कारण ऐसी सरकारों से जनता को डबल फायदा मिलता है। राज्य की योजनाएं भी और केंद्र की योजनाएं दोनों तेज गति से जन सामान्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता का ये बढ़ता हुआ प्यार हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ाता है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पल हर डगल जनता के विश्वास पर खड़े उतरने के लिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। इस विश्वास को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और मनोहर जी की टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी इस तोहफे के लिए प्रणाम करता हूं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का पर्व आपके परिवार में भी नया प्रकाश लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, नया उमंग लेकर के आए और आपका भारत के विकास की यात्रा में समर्थ योगदान जुड़ता चले, ये भी शुभकामना देते हुए मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को भी अमित भाई और नड्डा जी उस पूरी टीम ने जो इस चुनाव अभियान को चलाया उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का तालियों के द्वारा मित्रों आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी कार्यकर्ता इतने